ANM, GNM, DP Pharma, योग्यता 12वीं पास। कोर्स हेतु संपर्क करें राधा पार्वती एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मेन रोड टंडवा। संपर्क नंबर है 8409211842, 9304440499। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से नवलेश पासवान की रिपोर्ट। भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत रोहनिया में स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद रहने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कोरोना जैसी महामारी में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने से महिलाओं को प्रसव सहित अन्य सुविधाओं के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं पर ग्रामीणों द्वारा एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता देवराज सिंह के द्वारा की गई और लिखित आवेदन के तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी को ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द से जल्द रोहनिया स्वास्थ्य उपकेंद्र नित्य प्रतिदिन खुलने की गुहार लगाई। इधर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिनेश सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना महामारी में कोई NM पद स्थापित नहीं है। कोरोना संक्रमण की सामान्यजनक स्थिति होने पर अति शीघ्र NM बहाल कर दी जाएगी। उप स्वास्थ्य केंद्र में NM मांग करने वालों में देवराज सिंह, उप स्वास्थ्य केंद्र भूमिदाता अवधेश ठाकुर, चंद्रिका राम, विकेश कुमार, संतोष राउत, धर्मेंद्र बैठा, जितेंद्र कुमार बैठा, राजबली बैठा, श्रवण बैठा, ललन बैठा, पुष्पा देवी, खुशबू देवी, अन्य ग्रामीण भी उपस्थित हुए। स्वास्थ्य केंद्र बंद है, हम पूछ रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। एगो बच्चा के भी सुई लगाना इमरजेंसी पड़ जाता है तो कोई नहीं यहाँ लगा रहा है। यहाँ हम जाएंगे भवनाथपुर नगर गढ़वा डालेंगे तब ना बच्चा लोग के सुई लगेगा। कम से कम और कुछ नहीं तो बुखारों आदमी लेकिन के बाल बच्चा के चल रहा है, कुछ भी हो रहा है तो कम से कम हॉस्पिटल हम लोग के रहता स्वास्थ्य केंद्र सही तो हम लोग के बाल बच्चा के सुई भी चढ़ाता ना, वो भी नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का विधायक जी हमारा बरवाई नहीं है यहाँ भानु प्रताप जी, तो क्यों नहीं यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ जहाँ से कब तक बंद है? जब तक लॉकडाउन है तब तक यहाँ कतब सुन रहे हैं कतब बने हैं। हम तो बाहरी थे लेकिन हम फिर आए हैं घर पर तो देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर बने तो बने हैं। लगभग 2 माह से स्वास्थ्य उप केंद्र बंद है, जो कि हर एक बच्चा महिला को स्वास्थ्य उप केंद्र जाने में कठिनाइयाँ पहुँच रही है और हम लोग भटकते हैं तो पता चलता है कि मलाई साहब के मकान में रह रहे हैं। तो हम लोग मलाई साहब के मकान कनेक्ट खोजेंगे, क्या करेंगे नहीं। ये हम लोग से अनुरोध है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र को चालू किया जाए और वहाँ पर NM को बैठने की आज्ञा दी जाए। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रिका राम। धन्यवाद।